हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बिकॉज आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एक एक्सेसरी। आपने थंबनेल एंड टाइटल में देख ही लिया होगा, तो ये एक्सेसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक राइडर की लाइफ में एंड एक लाइफ सेविंग एक्सेसरी है, तो इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हर राइडर की लाइफ में। सो आज है मेरे पास स्टड्स का हेलमेट एंड अब इसको अनबॉक्स करते हैं हम लोग। सो दिस इज़ द स्टड्स थंडर D8 डेकोर विद मिरर वाइजर। तो इसके सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूँ एंड आप देख सकते हैं चारों तरफ से लुक कितना अच्छा आ रहा है। स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ की बात करेंगे, सारे फीचर्स मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख। सो दिस इज़ स्टड्स थंडर D8 डेकोर विद मिरर वाइजर। डेकोर इसके नाम में है, इसका मतलब आप देख सकते हैं ग्राफिक्स का काम किया है कंपनी ने, कितना अच्छा ग्राफिक्स किया गया है इसमें। पीछे आप देख सकते हैं स्टड्स की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है एंड साइड में आप देख सकते हैं थंडर सीरीज़ की है, तो थंडर की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाती है। मिरर वाइज़र आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्लीन वाइज़र आपको नहीं मिलता है। तो सामने की बात करें तो सामने में आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिल जाता है जिसको आप ऐसे ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। जो मिरर वाइज़र है वो 2 स्टेप में ओपन होता है इस तरीके से। इसकी डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो साइड लुक से ये बहुत ही ज़्यादा शार्प लगता है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे स्पॉइलर टाइप का लुक दिया गया है, इसकी भी बात मैं आपको करूंगा फीचर्स के अंदर में। फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट में वेंटिलेशन मिल जाता है, ओपन एंड क्लोज़ हो सकता है एंड यहाँ पे आपको मिरर वाइज़र देखने को मिल जाता है जो टैन प्रोटेक्शन आपको दे देता है। क्लीन वाइज़र आपको नहीं मिलता है तो आप इसको रात में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ग्राफिक्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ये तो लुक्स में आ जाता है। ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पर आपको एयर इनटेक के लिए 2 इनलेट्स दिए गए हैं, इसको आप ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें खास बात यह है कि आप इसको ओपन एंड क्लोज़ अलग अलग कर सकते हैं, एक साथ ओपन एंड क्लोज़ नहीं होता है। तो अगर आपको विंटर में आप बाइक राइड कर रहे हैं एंड अगर आपको कम हवा चाहिए अंदर, तो इसको आप एक ओपन एंड एक क्लोज़ रख सकते हैं, जिसके वजह से हेलमेट के अंदर एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। रियर की बात करें तो रियर में आपको एग्जॉस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, किसी स्पोर्ट्स कार के स्पॉइलर जैसा देखने में ये लगता है, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। वीडियो में भले ही ये कलर येलो टाइप का लग रहा होगा बट ये नियॉन ग्रीन है, ब्लैक एंड येलो है इस कलर का नाम, ब्लैक N5 है टू बी प्रिसाइज, बट दिस कलर इन रियल लुक्स लाइक नियॉन ग्रीन। तो हेलमेट की इंटीरियर की बात कर लेते हैं अब। इंटीरियर में आपको यहाँ पर क्विक रिलीज ट्रैप मिल जाता है एंड कुशनिंग हेलमेट की बहुत ही ज़्यादा अच्छी की गई है। इसका जो ऊपर वाला लाइनर है उसको आप ओपन कर सकते हैं एंड लेट मी टेल यू दिस इज़ द L साइज़। ये M साइज़ में नहीं आती है, L एंड XL साइज़ में आती है, तो ये 580 mm का है। फ्रंट में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे डस्ट प्रोटेक्शन एंड विंड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। कई बार होता है कि सामने से आपका बहुत हेलमेट के अंदर बहुत ज़्यादा एयर घुस जाता है एंड डस्ट भी आता है इस जगह में से, तो यहाँ पे विंड एंड एयर प्रोटेक्शन के लिए मैश आपको दिया गया है। जो पैडिंग है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है एंड यहाँ पे आपको रबर फिनिश मिलता है, पूरे के पूरे हेलमेट में यहाँ पे आपको रबर देखने को मिल जाता है, ताकि आप यहाँ इस हेलमेट को कहीं भी रखते हैं तो स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाले हैं एंड आप जिस जगह भी रखेंगे वहाँ पे ये स्लिप नहीं करने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे रखते हैं तो हेलमेट यहाँ पे स्लिप नहीं करने वाला है। आप देख सकते हैं मैं इसको पुश कर रहा हूँ बट आगे उतना ज़्यादा नहीं जा रही है। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं ये सारे एंड अब बात कर लेते हैं कलर की, तो कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली ये हेलमेट मुझे गिफ्ट में मिला है, तो मुझे इस हेलमेट की मार्केट प्राइस नहीं पता, बाकी MRP आप यहाँ पे देख सकते हैं 1895 रुपीज़ की है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना कितने प्राइस में ये मिल रही है ऑनलाइन। ये जो कलर मेरे पास है दैट इज़ N5 ब्लैक, दिस इज़ नॉट मैट ब्लैक, दिस इज़ शाइनी ब्लैक एज़ यू कैन सी। तो ये मैट ब्लैक में भी आती है जो पूरी आपको मैट फिनिश में मिलने वाली है। अगर आप हेलमेट में 1800 से 1900 रुपए खर्च करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आप कौन सा कलर ले रहे हैं, कौन सा कलर ऑर्डर कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर भी रहे हैं तो। सारे के सारे कलर जितने भी वेरिएंट्स हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ इस वक्त, जितने में भी मैट लिखा हुआ है जैसे मैट N5 ब्लैक, तो वो सब आपको मैट फिनिश में मिलेंगे, बट जो मेरे पास वेरियंट है दैट इज़ द शाइनी वन। सो अगर आप शाइनी वाला ले रहे हैं तो आप देख करके लेना, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप शाइनी समझ के मैट ऑर्डर कर दें। सो स्टड्स थंडर D8 की वेट की बात करें तो दिस इज़ 1300 ग्राम्स, 1.3 kg का हेलमेट है, बट ट्रस्ट मी उतना भी ज़्यादा भारी नहीं लगता है, आप देख सकते हैं ये हेलमेट उतना भी ज़्यादा भारी नहीं है अगर इसके कॉम्पिटिटर्स को देखा जाए।
देख सकते हैं हेलमेट ने कितने अच्छे से मेरे फेस को पकड़ लिया है एंड बहुत अच्छे से फिट आ चुका है मेरे फेस पे, मेरे हेड पे, तो मुझे बहुत प्रोटेक्टेड फील हो रहा है अब। तो अब हम लोग इस हेलमेट को पहन के राइड करने वाले हैं, देखते हैं विंड प्रोटेक्शन कैसा प्रोवाइड करती है एंड हेलमेट के अंदर कितनी हवा आती है, वेंटिलेशन कैसे काम कर रहा है, सब कुछ देखते हैं। सो हेलमेट के साथ मैंने थोड़ा सा राइड किया एंड मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इसका जो सामने वाला वेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है इस हेलमेट के अंदर में। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं, तो हेलमेट का जो अपर पोर्शन है वहाँ से आपको एयर ऐसे घूम करके आता है, ना कि आपके फेस पे डायरेक्ट आता है। एंड एग्जॉस्ट भी इसके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो विंड नॉइज़ जो है अंदर में उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है एंड विंड से प्रोटेक्शन भी आपको अच्छी खासी मिल जा रही है। जो सामने वाला वेंट है वो भी अच्छा काम कर रहा है, तो आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अंदर जितने भी पैडिंग वगैरह है बहुत अच्छे से फिट आ जा रही है, कोई भी अंड्यूलेशंस नहीं है हेलमेट में, हवा आने पे या कोई भी बम्प्स रोड पे आने पे ये नहीं हिल रही है, ये अपनी जगह पे ही है। एंड लुक तो खैर बहुत अच्छी है ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, हेलमेट के बारे में लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एंड बाय बाय। ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।